हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन तैयारी। और मैं हूँ रूपा शर्मा। एंड स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन टुडे सेशन। तो एज यू कैन सी इन द थंबनेल कि हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम एनालिसिस की। आपका एग्ज़ाम 2 अगस्त से शुरू हो गया था एसएससी एमटीएस का। तो आज के दिन में जो आपका पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, सो किस किस तरीके से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसा लेवल रहा है क्वेश्चन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है रेलवे से रिलेटेड एक ऑफ़र, बिकॉज एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, है ना, तो प्रिपरेशन अभी से करनी है हमें। तो आपको 24% ऑफ मिल रहा है रेलवे के टेस्ट पर, जिसमें कि 350 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं, राइट। सो कोड आपको क्या लगाना है? रेल 24। तो चलिए इसी के साथ में फिर शुरू कर देते हैं आज की बात, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 7 अगस्त है, आपका एग्ज़ाम हुआ है एमटीएस का, तो क्या क्या पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आपका एमटीएस का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग है आपका, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका हो, उसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो ये जो 4 आपसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हर सेक्शन में आपसे 25 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो और उसी के साथ में आपके मार्क्स भी एक, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी 25 25 ईच पूछा जाता है और मार्क्स भी वही रहते हैं, राइट। उसके बाद में जो आपको टाइम दिया जाता है, दैट इज 90 मिनट। 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, राइट। अब देखते हैं सेक्शन वाइज कि आपका जो देखा गया पेपर को कि किस तरह से आपसे पूछी गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग के सेक्शन की अगर बात करें तो आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट और एनालॉगी मैंने आपको जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बताया भी था, इसका सिलेबस जब डिस्कस किया था, कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपसे अच्छी खासी वेटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू कैन सी, देखिए 3 और 2 3 इस तरह से वेटेज आई है इनकी। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आया है। मिरर इमेज, फिगर कंप्लीशन एंड मैट्रिक्स, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं। हिडन फिगर आपसे पूछी गई है, मिसिंग टर्म्स पूछे गए हैं, है ना। वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, सीरीज भी आई है, राइट। और पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड ब्लड रिलेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपसे रीजनिंग में आज पूछे गए हैं, राइट। सो अगर रीजनिंग के लेवल की बात करूं मैं, तो इजी लेवल रहा है आपका। आप आराम से यहाँ पर अगर 25 क्वेश्चन थे तो 22 क्वेश्चन कर कर आ सकते थे, राइट। सो ये था आपका रीजनिंग के सेक्शन का एक एनालिसिस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पर आ जाते हैं हम। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में स्टूडेंट आपसे नंबर सिस्टम, SI एंड CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में आपका टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, एवरेज रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई है, परसेंटेज से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी एग्जाम में मैथमेटिक का सेक्शन आपसे पूछा जाता है तो परसेंटेज से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। एक का लेवल हमेशा एग्जामिनर थोड़ा इजी रखता है, डूएबल रखता है, या फिर आपसे सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं, तो वो इसी तरीके से दिए गए होते हैं कि परसेंटेज के बेस पर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आपके 3 क्वेश्चन तो मानकर ही चलिए कि आपके इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, इजी भी आएगा और थोड़ा टफ भी आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी आपका जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर मैं कहूँ कैलकुलेशन के लिए, तो परसेंटेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, राइट। उसके बाद ज्योमेट्री और मैंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का अगर लेवल देखा जाए तो स्टूडेंट का कहना है कि मॉडरेट लेवल का आपका आया है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का,
जो सेक्शन है. तो ये जो टॉपिक आज आप देख रहे हो एनालिसिस में, इनकी प्रैक्टिस अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हो परफॉर्म, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. वो उन स्टूडेंट का जिनका आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो यहाँ से अपने टॉपिक जो आपको लगता है कि थोड़े से भी वीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि अगर आपके एग्जाम में वो आए तो आप उसे इजीली कर पाओ. सो इसके सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर 17 से लेकर 19 अगर के बीच में अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट रहा है. इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेजेस पे हमने ऑलमोस्ट पूरा आपका सिलेबस कवर कर लिया था, 80-90% है ना. और मैंने क्लासेस ली थी आपकी और हम लोगों ने देखा है, जैसे सिनोनिम अगर एंटोनिम की बात करूँ तो आपका एक एक्यूट एक्यूट करके एक वर्ड आपसे पूछा गया है ना. एक आपका आया था पिनेकल, पिनेकल आपसे वर्ड पूछा गया. तो इस तरह से आपको जो एंटोनिम सिनोनिम की बात करूँ मैं या फिर ईडियम फ्रेजेस की बात करूँ, तो ईडियम फ्रेजेस से भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप पढ़ चुके हो क्लासेस में, है ना. क्लोज टेस्ट पे हमने एक सेशन किया था. देखिए क्लोज टेस्ट अगर आपने वो सेशन किया है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपके यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आप करके आए होंगे आराम से. मिस स्पेल्ड वर्ड्स सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेशन हमने किया था. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का हमने एक PDF भी आपको प्रोवाइड कराई है, 100 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की. पैरा जंबल्स का सेशन हमने किया है. तो अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करूँ तो मैं जिन स्टूडेंट ने क्लास ली होगी उन्हें इंग्लिश का जो लेवल है या इंग्लिश का सेक्शन है बहुत ही ईजी लगा होगा, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना. तो यहाँ भी मैं कहूँगी आराम से 21 से 22 क्वेश्चन आप करके आ सकते थे. सो ईजी टू मॉडरेट लेवल आपको आप कह सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका रहा है, राइट. सो एक सजेशन अगर मैं दूं आने वाली शिफ्ट में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, तो आप ये क्लासेस दोबारा से देख सकते हो. आपकी एक एंटोनिम सिनोनिम की तो आपकी एक अच्छी खासी लंबी क्लास थी, 1-1.5 घंटे की क्लास थी, जिसमें हमने टॉप 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम कवर कराए थे, है ना. तो आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हो, आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस की PDF भी आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में, है ना. उसके बाद में एक अगर आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करूँ, तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपसे साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इवन स्टैटिक अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर आपसे पूछा गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आपसे पूछी गई है ना. तो ऑलमोस्ट सारे आपका जो GS के क्वेश्चन सब्जेक्ट्स होते हैं, सब सारे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करिए जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है ना. तो अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ आपसे, तो आप आराम से 17 या 18 क्वेश्चन कर आ सकते थे, इस तरह से आपका लेवल रहा है. तो मॉडरेट लेवल मैं कहूँगी कि जनरल अवेयरनेस का पूछा गया है, राइट. तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एनालिसिस थी. तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ कि ओवरऑल कितना अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो इज़ अ गुड अटेम्प्ट, तो स्टूडेंट अगर आपने 79-85 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपने अगले पेपर की तैयारी करिए. ये अगर आप एक्यूरेसी के साथ करके आए हो इतना, तो आप आराम से बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका, है ना. अब आप अगले जो भी इसका सेकेंड फेज है उसकी तैयारी करने लग जाओ, है ना. तो 79-85 इज़ अ गुड अटेम्प्ट इन दिस एग्ज़ाम. तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ में सेशन बाइंड अप कर लेते हैं. और आपको मैं एडवाइस करूँगी कि बहुत पेशेंस के साथ में आप अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाए, जिसका भी एग्ज़ाम पड़ रहा है आने वाली शिफ्ट में, राइट. और ख़ुद पर भरोसा रखिए एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप एग्जाम को अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है. सो इसी के साथ में सेशन वाइंड अप करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट.